हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग स्टडी करेंगे द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। आज मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में ए टू जेड जानकारी दूंगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट में आज मैं आपको कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड जितनी भी ऑल इंफॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आज बिल्कुल सब कुछ आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा मानना है, अगर आपने वीडियो मेरी अंत तक देख ली तो आप आज ही से अभी से कार्टेशियन प्लेन में क्या बन जाएंगे, ज्ञाता बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने हेडिंग ही पढ़ ली होगी कि बेटे द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला है 5 से 7 मिनट का सिर्फ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कार्टेशियन प्लेन को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो भाई एक प्लेन हम आपको बता दें, एक प्लेन हमारा फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जिसे कि हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो आप इसे अंग्रेजी में लिख दीजिएगा प्लीज, क्या प्लेन इज अ फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली, ठीक है। कि भाई कि हमारा जो प्लेन है वो एक फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जिसे हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग सीधे दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन की हम बात करें कि भाई जब प्लेन हमारा 2D होता है, 2D का मतलब होता है बेटा 2 डायमेंशन जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की। उम्मीद है प्लेन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करके मैं आपको एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। अब हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन आर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। कि भाई एक हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है। हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जो कि भाई बनता है, जो कि मतलब फॉर्म होता है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो सिंपल सी बेटा इसकी डेफिनेशन होती है कि आर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। की भाई कि मतलब क्या है कि मतलब जो कार्टेशियन प्लेन है 2 डायमेंशनल है, ठीक है, सरफेस है या प्लेन है, ठीक है। तो भाई वो कैसे बनता है, या तो मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और भाई द एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और भाई और ये एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब जैसे कि आपने ये प्लेन देखा होगा, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है बेटा। इसी में आपको बिल्कुल ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूं आज इसमें, बिल्कुल बस थोड़ी देर बने रहे वीडियो में। ये बेटा ओरिजिन होता है, ठीक है। ये हमारी ये लाइन जो है हमारी ये हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारी जो लाइन है ये वर्टिकल है, ठीक है। सबसे पहले यहां बात करते हैं एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये बेटा आपका वाई, और ये आपका वाई डैश। जब हम बेटा सिर्फ एक्सिस की बात करते हैं ए एक्स आई एस, तो सिर्फ हम एक्स या वाई बोलेंगे, लेकिन जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो मतलब प्लूरल हो जाता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस सिंगुलर वर्ड है और एक्सिस क्या है, प्लूरल वर्ड है, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है, कोई ऐसे लिखते हैं एक्स एक्स डैश वाई या वाई डैश। कोई कोई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मतलब माइनस को क्या करते हैं बेटा ब्रैकेट में बंद कर देते, जो कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ओरिजिन के आपको मैं कोऑर्डिनेट बता दूं, 0.0 होते हैं ये आपके बेटा कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और हम आपको ये बता दें जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है बेटे, वाई की वैल्यू होती है। कोऑर्डिनेट्स का दूसरा नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर क्या रहता है बेटे, फिक्स रहता है। जैसे कि पहले एक्स की वैल्यू आएगी तो दूसरी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई ये आपका कार्टेशियन आपका प्लेन है जो कि कैसा है, 2 डायमेंशन है। कैसे 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें एक तो एक्स है और दूसरा क्या है बेटा वाई, एक्स वाई के अलावा कुछ नहीं है, इसमें 2 डायमेंशन है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन अगर हम इसे बोलते हैं, और इसके बहुत से नाम होते हैं, एक तो होता है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन, 2D प्लेन, तो ठीक है। तो आप ये नाम भी सीख लीजिए कि 2D प्लेन हम इन्हें बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटे एक्स वाई प्लेन इसे बोलते हैं, और कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। तो मेरा मानना है ये सब आप सीख गए होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन होती है वाई बराबर 0, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स बराबर 0। अब यहां पर मेरा मानना है यहां पर एक बेटा वर्ड आया है इक्वेशन, ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन एक वर्ड आपने भी मैंने बोला था कि वाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई बराबर 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स बराबर 0। तो यहां पर एक वर्ड आया बेटा इक्वेशन। इक्वेशन का इंग्लिश मीनिंग हम आपको बता दें कि इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच अलाउज दैट द टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। कि इक्वेशन एक क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिससे कि हमें पता लगता है कि टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। ये बेटा क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। लिख भी देते हैं यहां पर फटाफट से,
फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर हो गया, ये बेटा आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये जो आपका लास्ट में लिखा हुआ है ये बेटा आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट, अब यहां पर एक वर्ड आया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेशन, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जो कि एक्स और वाई एक्सिस से क्या मिलकर, जो मिलकर बनता है जो सिस्टम, ठीक है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो भाई आपको मैंने ये बताया इस क्वाड्रेंट के साइन देख लेते, एक होता है प्लस प्लस। अब कहेंगे सर क्या हमें इसको रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, पहले x की वैल्यू होती है, दूसरी क्या होती है बेटे y की वैल्यू, तो मतलब हम x पे क्या चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, y पे क्या चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे। अब यहां पर आप आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव चलेंगे और y की वैल्यू क्या चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे। तो इसका मतलब साइन क्या होता है, x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। यहां आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी निगेटिव और y की वैल्यू भी निगेटिव। अब आप यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव। तो आप ये बताइए क्या इसमें से आपसे कुछ भी आपको रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा। प्लेन हमने आपको बता दिया कि भाई टू डायमेंशनल फ्लैट सर्फेस होता है, जिसे कि हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपका क्या होता है कि भाई कार्टेशियन मतलब टू डायमेंशनल सिस्टम होता है, जो कि भाई x और y एक्सिस के इंटरसेक्शन से मिलकर बना होता है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इक्वेशन से रिलेटेड जो भी बात आई है वो भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो इक्वेशन आपकी जो होती है वो भी मैंने बता दी है, जो इसके साइन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, इसे 2D प्लेन ही क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें लगभग मैंने, मेरा मानना है क्वाड्रेंट जो होता है वो भी मैंने आपको इसमें 100% सब कुछ बता दिया है। अब इसमें एक चीज रह गई है, बस वो हम बता के इस वीडियो को बेटा एंड करते हैं, ठीक है। वो अभी क्या है, बस आप एक मिनट और रुक जाइए, जितना कि आपने धैर्य बेटा बनाए रखा है उतना ही आप थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें। बस एक दो मिनट में आपके और लूंगा बेटा कीमती, ठीक है, बस दो मिनट आप प्लीज देर बच्चे वेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो है आपको, अब तो साइन भी समझ में आ गए हैं, तो साइन भी हम क्या कर सकते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो बस अब ज्यादा नहीं मिटाते हैं, थोड़ा सा जो है लिखा भी रहने देते हैं, एक्स और एक्स डैश, ठीक। तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको मतलब क्या है, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, 2D प्लेन कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे, वो बेटा सब आपके ऊपर है। आपने सुना होगा जैसे ऑर्डर पेयर हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 3.5 मैंने लिखा, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आप ये देखें कि पहली वैल्यू बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका बस लोगो बना लेते हैं कि हम थोड़ा मतलब गलत हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा कोई जरूर नहीं। आप अगर हमारी वीडियो देखे होंगे तो आप बिल्कुल शत प्रतिशत आप सही करेंगे। अब आप वैसे ये मान के चलिए कि आप जो हैं पहली वैल्यू जो है वो एक्स पे चलनी है और दूसरी वैल्यू आपको कहां चलनी है, वाई पे चलनी है। तो पहली वैल्यू एक्स पे मतलब, पहली वैल्यू एक्स पे मतलब ये 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड ही होगा ना बेटा, तो ये बेटा ये 3 हो गया और ये आपका ये 5 हो गया, तो ये बेटा आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि 3.5, और ये तो आपका है 0.0, ये तो ओरिजिन है, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें कि माइनस का -1, जैसे ये है -1.-2, तो बेटा ये देख लीजिए, ये -1 मतलब 1 की वैल्यू और ये y, तो ये आपको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1.-2। आप बस इतना सा ध्यान रखें कि भाई जैसे आपको कोई 6.6 मान लीजिए दे दिया जाए कोऑर्डिनेट, कोई सा भी दे दिया जाए, मतलब कहीं कितनी बड़ी वैल्यू, तो यहां पर ये बेटा ये फर्स्ट वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। तो जो वैल्यू आपके सामने लिखे, मतलब x तो मतलब क्या है, x ऊपर साइड पॉजिटिव साइड ना, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो x भी हमें पॉजिटिव 6 कदम चलना है और y भी हमें पॉजिटिव 6 कदम चलना है। तो ऐसे आप सीख लें कि अगर 3, -3 दिया गया है तो हमें x पे +3 कदम चलना है और y डैश पे हमें कितना चलना है, -3 कदम। तो ये मैंने आपको पूरा बिल्कुल, मेरा मानना है बिल्कुल A to Z मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ भी चीज जो है वो बची होगी, कोऑर्डिनेट वगैरह इसमें मैंने आपको इक्वेशन तक की बेटा डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। और भाई मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है, जिसमें सबसे पहले मैंने जो है रियल नंबर्स का भाई मेरे बताया था, उससे पहले मैंने आपको जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ बताए थे। अब बेटा मेरा मानना है कि जो मेरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड, ठीक है। तो भाई ऐसे मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। बेस्ट बेटा मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आप कमेंट में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।